हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। तो ये वीडियो एक गुड न्यूज़ लेकर आया है आपके लिए। लेटेस्ट न्यूज़ में ये है कि फेडरल बजट 24-25 का ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने निकाल दिया है। उसमें कुछ अपडेट्स आई हैं जो कि क्लैरिफाई कर रही हैं मेट्स वीज़ा के बारे में कि कब वो शुरू होने वाला है। डेट उसमें अनाउंस हो गई है और मेथड किस तरह से वो होगा वो भी बताया गया है। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इसके बारे में हमने पहले भी आपसे बताया कि दो नए वीज़ास फॉर द यंगस्टर्स अप टू 30 इयर्स ऑफ एज शुरू होने वाले हैं। तो उसमें पहला था मेट्स वीज़ा और दूसरा है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, दोनों की अपडेट हमारे पास है। तो इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी आई हैं, खासकर ऑस्ट्रेलियन सब क्लासिक्स एंड बिजनेस वीज़ा को लेकर। तो इन सब की अपडेट्स आपको मिलेंगी। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें एंड बने रहें इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मेट्स वीज़ा की जो अनाउंसमेंट हुई है, डेट की जो कंफर्म डेट बताइए कि कब वो होने वाला है, दैट इज़ 1 नवंबर दिस ईयर। 1 नवंबर से मेट्स वीज़ा के लिए एप्लीकेशंस, प्री एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगी और ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम। जब ये स्टार्ट होगा प्रोसेस नवंबर के आसपास, जैसे भी हम होंगे, एक और वीडियो रिलीज़ करेंगे जिसमें यू कैन कॉन्टैक्ट अस टू गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस वीज़ा। इसमें क्या प्रोसेस है, आपको बैलेट फ़ी देकर और कुछ प्रोसेसिंग फ़ी हमारी रहेगी, वो हम अनाउंस करेंगे लेटर ऑन। तो वो देने के बाद आपको इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद बैलेट एक तरह से इसमें आपका लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी ड्रॉ के बाद जिस जिसका नाम आ जाएगा उसका फिर आगे केस प्रोसेस होगा। जी हाँ, ये कैप्ड वीज़ा रहेगा क्योंकि इसकी डिमांड बहुत रहेगी। तो 3000 वीज़ाज मेट्स के मिलने हैं जिसका कंफर्मेशन आ चुका है और डेट भी निकल गई है, 1 नवंबर 2024। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं और ग्रेजुएट्स हैं, खासकर इस वीज़ा के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपका डाउट है आपको कि आपको विजिटर वीज़ा या इस तरह का कोई और वीज़ा मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो डू नॉट अटेम्प्ट दैट। अटेम्प्ट करने से पहले एक जूम मीटिंग ज़रूर कर लीजिए हमारे साथ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वीज़ा आना भी है नहीं। बिना बात के रिफ्यूज़ल लेके आपका इधर का चांस चला जाएगा, क्योंकि इस वीज़ा की कंडीशन है कि देर शुड बी नो रिफ्यूज़ल एट ऑल। ठीक है, तो अगर आप यंगस्टर्स हैं और ये फील्ड्स के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था, वो फील्ड मैं दोबारा आपको बता दूंगा कि इन फील्ड के ग्रेजुएट्स जो 30 इयर्स के तक हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है और हर साल आएगी। तो 3000 वीज़ाज उन्होंने देने हैं और उनकी कंडीशन है कि कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका डाउट है आपको कि हमें दूसरा वीज़ा मिल सकता है, आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जूम मीटिंग आपके सामने स्लॉट बुक करके आप डिस्कशन कर लीजिए, तो हम आपको क्लैरिटी दे देंगे कि आने के चांस हैं, रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, राइट। और जिनका रिफ्यूज़ केस हो चुका है तो उनको हार नहीं माननी चाहिए, वो हमारे साथ जूम मीटिंग कीजिए और दूसरी जो ऑप्शन है उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, राइट। अब फिलहाल फॉर दिस पर्पस ये जो वीज़ा है मेट्स वीज़ा, ये बेसिकली जो फ़ीस है इन्होंने रखी, बैलेट फ़ीस जिसको कहते हैं या प्री एप्लीकेशन फ़ीस, मतलब ड्रॉ में शामिल होने के लिए, वो है $25 देकर। बाकी हम इसमें जो प्रोसीजर रहेगा वो हम आपको क्लैरिटी जब भी स्टार्ट हो जाएगा पूरा हम बता देंगे और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू गेट रजिस्टर्ड। और फिर जब ड्रॉ आएगा, ड्रॉ के बाद एक्चुअल एप्लीकेशन लगेगी और देन यू विल गेट दिस वीज़ा। ये 2 साल के लिए वीज़ा मिलना, सबसे बड़ी एडवांटेज वीज़े की ये है कि इस वीज़ा पर आप दूसरा वीज़ा लेके परमानेंट रेजिडेंसी तक एक रूट, डायरेक्ट रूट है ये फॉर यंगस्टर्स, कि इस वीज़ा पर आइए, काम कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए एंड देन आफ्टर दिस 2 ईयर्स आइदर यू गो ऑन फुल टाइम वर्क वीज़ा जो अवेलेबल होगा, जैसे स्किल एंड डिमांड वीज़ा जो शुरू होना है उसके बात कर रहा हूँ, या फिर आप PR के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे इफ़ यू गेट योर गुड पॉइंट्स। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो शुरू होने वाली है 1 नवंबर 2024 से। 3000 वीज़ा मिलेंगे, 2 साल का वीज़ा वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम ओनली फॉर इंडियंस। ये मोदी साहब की देन है, उसकी वजह से ये सारा कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसी के तहत ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें मैं आपको जो इन्होंने फील्ड्स बताई थी वो एक बार फिर से बता देता हूँ और मेन मेन हाईलाइट, ताकि आपको दोबारा पिछले वीडियो पे ना जाना पड़े। 30 साल से ऊपर आप नहीं होने चाहिए, ये इसके एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया। 30 इयर्स की एज, कोई आपका पीछे
मेट्स में आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए, वो तो जब आप पहली बार ही हो रहा तो नहीं होगी। और आइल्स का स्कोर आपका बेसिकली इक्विवेलेंट स्कोर ऑफ एटलीस्ट 6 विद अ मिनिमम स्कोर ऑफ 5 फॉर ईच ऑफ योर 4 पार्ट्स, ठीक है, हर एक में 5 और ऑल 6 होना चाहिए, ये लैंग्वेज स्कोर इसमें रिक्वायरमेंट है। वर्क एंड हॉलीडे वीज़े में ये नहीं होगी, वो मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, इसमें है। और आपको ग्रेजुएटेड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम एलिजिबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो मतलब आपने कहीं से अगर ग्रेजुएशन करी है तो विद इन 2 ईयर्स आपको ये अप्लाई करना है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो फ्रेशर्स हैं, एक साल कहीं जॉब कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, एक साल हो गया, दो साल हो गया, वो एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन के बाद। और क्वालिफिकेशन बैचलर्स होनी चाहिए या मास्टर्स या इससे अबव, ठीक है, इससे नीचे वालों के लिए मेट्स वीज़ा नहीं है। तो कौन कौन सी एरियाज़ हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, उसमें मिलेगा, माइनिंग के फील्ड में जो हमने पहले डिस्कस किया था, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिनका ग्रेजुएशन या कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस या मास्टर्स है, फाइनेंशियल फिनटेक वाले लोग, राइट, एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, दीज आर द फील्ड जो अभी कन्फर्म्ड हैं जिनके लिए उनको ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएट्स विद इन 2 ईयर्स, मतलब ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का गैप अलाउड है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट होके उसके अबव हो चुके हैं देन ग्रेजुएशन वाला क्राइटेरिया नहीं करेगा। देन मास्टर्स, फिर मास्टर्स के पास विद इन 2 ईयर्स, तो ये चीज़ है, मतलब आपको 2 साल के अंदर अंदर इसमें अप्लाई करना है, 30 से अबव नहीं होने चाहिए और आइट्स में स्कोर आपका 6 होना चाहिए। तो दिस आर द रिक्वायरमेंट्स, ये अगर आपके पास चीज़ें हैं इसमें से किसी भी फील्ड में आप हो तो बी रेडी फॉर दिस वीज़ा। आपको सबसे पहले रजिस्टर तो हर एक को करना चाहिए, नो डाउट, ये चीज़ें जब आप फुलफिल करते हो तो, ठीक है। ये करने के बाद आपको वेट करना है, आपका ड्रॉ ऑफ लॉट्स में अगर नाम आता है देन यू कैन फाइल फॉर द मेन, और फिर उसके आई थिंक इनकी प्रोसेसिंग फास्ट रहेगी, जैसे एज पर जो बताया विद इन 1 वीक और 2 वीक के अंदर ये रिजल्ट जैसे विस्टर वीज़ा के जल्दी आते हैं, सो यू कैन हैव इट। 2 साल का वीज़ा आपको मिलेगा एंड यस, इस पे आप अपना स्टे एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन शोर दूसरे वीज़ाज लेके, ये उसमें लिखा हुआ है। बाकी जो इसका अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस होगी $365 के आसपास, जो हमें इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल वीज़ा जब आप फाइल करेंगे वो लगेगी एम्बेसी की, ठीक है। तो 1 नवंबर इज़ अ डेट, मार्क माई वर्ड्स, और इसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद सेकेंड जो अपडेट हमारे पास आया है वो वर्क एंड हॉलीडे वीज़े का आया है। इसके तुरंत बाद 1 or 2 months के बाद वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा खुल जाएगा, उसके लिए भी ऐसे रजिस्ट्रेशन है, उसकी भी मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ फिर से कि इसमें जस्ट आपको +2 चाहिए, कोई ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, 12वीं तक आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अप टू 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। सो इसका क्राइटेरिया थोड़ा लूज है। अगेन आपको इसमें बैलेट फीस भर के एंड कुछ हमारी फ़ीस भर के रजिस्टर करना है, जैसे अगर हम हमारे से आप रजिस्टर करवाते हैं वो हम अनाउंस करेंगे जैसे ये स्टार्ट होगा। इसकी एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आई है, बट येस इट इज़ कन्फर्म्ड कि इसके 1-2 महीने बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी मेट्स की वीज़ा की तारीख 1 नवंबर 2024 कन्फर्म्ड है। तो ये हो गया 2। अब थर्ड जो अपडेट हमारे पास आया है वो है बिज़नेस विस्टर वीज़ा को लेके, उसकी वैलिडिटी फॉर इंडियंस, खासकर बिज़नेस वीज़ा की बात हो रही है। सब क्लास 6 में जैसे हमने आपको बताया था 3-4 स्ट्रीम्स हैं, एक आपकी टूरिज्म स्ट्रीम होती है, एक आपकी स्ट्रीम होती है फैमिली विजिट की, एक होता है फैमिली स्पॉन्सर्ड, और चौथा होता है बिज़नेस स्ट्रीम की, एक ऑफिशियल रीज़न से आप जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, उसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स करने वाले हैं जी। एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, आई थिंक नवंबर में इसके बाद दे विल स्टार्ट, जो कि अभी 3 साल का आपको मिलता था मल्टीपल एंट्री वीज़ा, 5 साल का मिलेगा जी हाँ। 5 ईयर वैलिडिटी होने वाली है बिज़नेस स्ट्रीम, हो सकता है टूरिज्म के लिए भी ये बढ़ा दें लेटर ऑन, बट एट प्रेजेंट जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आए हैं उसके हिसाब से 5 ईयर वैलिडिटी हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन विस्टर वीज़ा की बिज़नेस स्ट्रीम में। तो ये 3 मेजर अपडेट्स आई हैं फॉर इंडियंस, खासकर इंडियंस लाइक। बाकी इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, जूम मीटिंग का स्लॉट आपके सामने नंबर्स फ्लैश हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए एंड बुक योर स्लॉट, ठीक है। सो होप दीज आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़, इसको आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके बदौलत ही सब कुछ हो रहा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और आगे भी अच्छे होंगे, ये चीज़ तभी की जा रही है। तो इसका आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, उनको यंग ब्लड की रिक्वायरमेंट है, यंग टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, तभी ये वीज़ाज लगाए स्टार्ट किए जा रहे हैं एंड यू हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी। नो डाउट थोड़ा सा इसमें लक फैक्टर ज़रूर आएगा इनिशियली,
बट स्टार्टिंग में जो फ़ायदा उठाएगा उसको डेफिनेटली एज मिलेगा. तो जैसे वेट फॉर आर नेक्स्ट वीडियो जब ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, एंड कॉन्टैक्ट अस फॉर दिस रजिस्ट्रेशन एंड देन लेटर ऑन फाइलिंग ऑफ दिस वीज़ा. थैंक यू वेरी मच. होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू.